कराने आया हूं। मैं गुजरात में था उस वक्त आपका भाषण सुनता था, जब टीआरएस का आंदोलन चलता था, तेलंगाना का आंदोलन चलता था, तब आपने कहा था कि 17 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिन मनाएंगे। माताओं भाइयों बहनों, कहा था या नहीं कहा था? जोर से बोले, कहा था या नहीं कहा था? भाई, मैं आज पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी को कि वो आपके वादे का क्या हुआ, क्या हुआ? कर्नाटक मना रहा है, महाराष्ट्र मना रहा है, आपने आज ध्वज वंदन क्यों नहीं करा? किसका डर है बोलो भाई, किसका डर है? उनको किसका डर है? भारतीय जनता पार्टी किसी से नहीं डरती है। एक बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दीजिए, ये रजाकारों से मुक्ति लेने वाले दिन के दिन ही हम हमेशा तेलंगाना राज्य का अधिकृत मुक्ति दिन मनाएंगे, अधिकृत मुक्ति दिन मनाएंगे। मित्रों, ये आजादी के लिए निर्मल के भोले भाले आदिवासियों ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ और फिर निजाम के खिलाफ बहुत बड़ा संघर्ष किया। सन 57 की क्रांति के शुरुआत में ही इसी इलाके के रामजी गोंड के नेतृत्व में निजाम और अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष किया, इनके साथ लड़ाई हुई। जब सब पकड़े गए तो 1860 में निर्मल के एक कस्बे में बरगद के पेड़ पर 1000 लोगों को फांसी पर चढ़ा दिया गया था, 1000 लोगों को। क्या मुख्यमंत्री जी आपको इन लोगों का बलिदान भी याद नहीं है? 1000 लोग, भोले भाले आदिवासी लोग, देश की आजादी के लिए फांसी पर चढ़ गए। मैं आपको कहकर जाता हूं, चाहे निर्मल के फांसी पर चढ़ने वाले आदिवासी भाई हो, चाहे निजाम के रजाकारों से मारे गए हुए सारे शहीद निर्दोष नागरिक हो, चाहे संघर्ष करने वाले स्वामी रामतीर्थ के नेतृत्व में संघर्ष करने वाले शहीद हो, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। 14 सितंबर को तेलंगाना विमोचन दिन मनकर ही रहेगा, भारतीय जनता पार्टी उसको मनाएगी। मित्रों, आज मोदी जी का जन्मदिन है। मैं आप लोगों को एक समाचार देना चाहता हूं कि आज देश भर में कोरोना के खिलाफ सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन, बहुत बड़ा टीकाकरण चल रहा है। दोपहर 3 बजे तक देश में 1 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका दे दिया गया है, और ये रात तक चलने वाला है। आज के दिन ही भारतीय जनता पार्टी ने कई कार्यकर्ताओं ने सेवा के अलग अलग काम किए हैं। अभी 71 भाजपा युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने रक्तदान करकर अपना रक्त बीमार लोगों के लिए दान करने का काम किया है। अभी अभी धर्मपुरी ने अपने क्षेत्र के कोरोना से पीड़ित लोगों के लिए एक योजना जाहिर करकर उनकी सेवा की आगे बढ़ाने की बात की है। देश भर में ऐसे कई सेवा के कार्य हुए हैं, और सभी लोग प्रार्थना कर रहे हैं कि मोदी जी के नेतृत्व में ये देश के गरीब, पिछड़े, आदिवासी, दलित, इसके कल्याण का काम, इसके कल्याण का यज्ञ ऐसे ही चलता रहे। मित्रों, मोदी जी ने 70 साल की आजादी के बाद इस देश के 60 करोड़ गरीबों के लिए सरकार की दिशा मोड़ कर रख दी। उनको बैंक अकाउंट दिया, घर दिया, उनको शौचालय दिया, घर के अंदर बिजली दी, अब शुद्ध पीने का पानी दे रहे हैं। 5 लाख तक का सभी स्वास्थ्य खर्चा प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तले
नरेंद्र भाई ने देश के गरीबों को किया, और ये गरीब कल्याण का मोदी जी का यज्ञ सालों साल चलता रहे। इसीलिए आज पूरा देश ईश्वर से प्रार्थना कर रहा है। मित्रों, आज मैं बंडी संजय की प्रजा संग्राम यात्रा में आया हूं। आजादी के वक्त पैदल यात्रा करने वाले हमने देखे थे, मगर आज भी तेलंगाना की जनता की सुखाकारी के लिए इस संग्राम यात्रा लेकर संजय बंडी निकले हैं। ये 5 चरणों में चलने वाली है और हर चरण लगभग 50 से 60 दिन का रहेगा। मेरी राय और जो लोग इनके साथ यात्रा में पैदल चल रहे हैं, वो सभी बैठे हैं, उनको भी मैं शुभकामनाएं देता हूं। और जब ये यात्रा 5ों चरण समाप्त कर वापिस हैदराबाद पहुंचेगी, 119 विधानसभाओं का दौरा कर पहुंचेगी, मुझे विश्वास है कि 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार की नींव डालकर वापिस। इन्होंने कहा कि प्रजा संग्राम यात्रा, ये संग्राम किस चीज के लिए है, किस चीज के लिए संग्राम है? ये संग्राम है मजलिस के निर्पक्ष चलने वाली सरकार के खिलाफ, ये संग्राम है, ये संग्राम है परिवारवाद चलाने वालों के खिलाफ संग्राम। हमारे भाई राजेंद्र तेलंगाना आंदोलन से उनके साथ थे, क्यों भारतीय जनता पार्टी में आए? क्योंकि वहां उनके लिए कोई स्कोप ही नहीं है, वहां एक ही परिवार का शासन चलता है, पिताजी बेटा और बेटी। ये संग्राम मोदी जी के नेतृत्व में पूरे देश भर के अंदर विकास का जो यज्ञ चल रहा है, इससे आज तेलंगाना पिछड़ा है, तेलंगाना के गरीबों के लिए संग्राम है। ये संग्राम तेलंगाना के आदिवासियों के लिए संग्राम है, ये संग्राम तेलंगाना के दलितों के लिए संग्राम है, और ये संग्राम तेलंगाना की माताओं और बहनों की सुरक्षा के लिए संग्राम है। और मैं आपको बताता हूं, अगर कोई समझता है कि ओबीसी के शरण में जाने से हम बच जाएंगे, तो मैं बताकर जाता हूं, तेलंगाना की जनता आज से जागरूक हो रही है, ओबीसी के शरण में जाकर आप नहीं बच सकते हो, नहीं बच सकते। दिन ब दिन तेलंगाना की जनता भारतीय जनता पार्टी को स्वीकार करेगी। लोकसभा के चुनाव में 20% से ज्यादा वोट दिए हमने करीमनगर, नजीमाबाद, आदिलाबाद और सिकंदराबाद, 4 सीटें जीती और 3 सीटों पर हम बहुत नजदीक आकर हारे, 3 सीटों पर। मैं बताता हूं आपको, अगले चुनाव में लोकसभा में, अगले चुनाव में लोकसभा में सारी की सारी सीटें मोदी जी की झोली में तेलंगाना की जनता ने। आज हमारे किशन रेड्डी सिकंदराबाद के सांसद यहां पर मंत्री बनकर भी उपस्थित है, और बहुत समय के बाद तेलंगाना को भारतीय जनता पार्टी का कैबिनेट मंत्री देने का काम नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। इसके बाद दुबक्का का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी जीती। हैदराबाद नगर निगम का चुनाव हुआ, भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सीट मजबूत करी और उनको ओवैसी की मदद लेने की जरूरत पड़ गई, ओवैसी की मदद लेने के लिए, मगर उन्होंने निसंकोच ली। और मित्रों, मैं आज बताना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में खत्म हो रही, पूरे देश भर में, तेलंगाना में टीआरएस का विकल्प कांग्रेस पार्टी नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। आप मुझे बताओ, अगर कांग्रेस पार्टी विकल्प हो भी जाए, वो क्या मजलिस के डर से यही करेगी ना जो ये कर रहे हैं?
ये ओवैसी के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? ये रजाकार संस्कृति के खिलाफ लड़ सकते हैं क्या? मित्रों, केवल और केवल तेलंगाना का सम्मान भारतीय जनता पार्टी के अलावे कोई उजागर नहीं कर सकता मित्रों, कोई उजागर। इसीलिए हमारे भाई संजय बंडी ये संग्राम यात्रा लेकर आए हैं।